अपने बेबाक बयानों के चलते महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सुर्खियों में आ ही जाती हैं। वो राजनीति में अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं और इस बार उन्होंने महिलाओं के मासिक मुद्दे से जुड़ी अपनी राय दी है। उनका कहना है कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके लिए पेड लीव की किसी खास नीति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा, मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। महिलाओं लड़कियों का एक छोटा सा हिस्सा गंभीर समस्याओं या फिर इस तरह की शिकायतों से पीड़ित है। इनमें से अधिकतर को दवा के द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है। आगे स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लागू किए गए मिशन शक्ति के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घटक के तहत मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता की ओर जोर भी दिया जा रहा है। हितधारकों के परामर्श से मासिक धर्म स्वच्छता नीति का एक मसौदा भी तैयार किया गया है। केंद्र पहले से ही 10 से 19 साल की लड़कियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता को बढ़ाना ही है। मासिक धर्म की स्वच्छता की जागरूकता को लेकर योजनाएं बढ़ाने की जरूरत है। क्या आपको भी लगता है कि स्मृति ईरानी का मासिक धर्म पर पेड लीव न देने की नीति सही है? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि महिलाओं को इस दिन नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।